अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं कोरमा, जिसके लिए हमें चाहिए ये 3 प्याज और 1 अदद अदरक का टुकड़ा, और ये बड़ी इलायची है, छोटी इलायची चाहिए हमें, और ये लौंग और साबुत काली मिर्च और ये तेज़पत्ता। और यहाँ पे हमारे पास 1 प्याला के तकरीबन दही रखा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास अदरक लहसुन है, और ये कोरमा मसाला है। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। वैसे हम आपको ये बनाने की तरकीब भी हम आपको बताएंगे। और यहाँ हमारे पास 1/2 किलो तकरीबन गोश्त भी है। तो और ज़रूर हमारी वीडियो को ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और आप हमारी वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, ताकि जो भी इस डिश में जो स्टेप बाय स्टेप हैंगी वो आपको पता चल सके। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गो। और ये कोरमा जो हम बना रहे हैं वो हम बीफ का कोरमा बना रहे हैं। सो व्यूअर्स, अब हम 1 कप ऑयल में अपने प्याज जो है वो फ्राई कर लेंगे। 1 कप ऑयल डाल दिया हमने, और अब हम इसमें करेंगे प्याज ऐड, प्याज को फ्राई करने के लिए। और कोरमे में ज़्यादा ऑयल ज़्यादा है, इसलिए हम ज़्यादा ही ऐड करेंगे। इसको हमें अच्छी तरीके से थोड़ा ब्राउन सा गोल्डन कलर का होने देना है। तो अब हम आपको दिखाएंगे जब ये प्याज रेडी हो चुकी होगी। सो व्यूअर्स, ये हमारी प्याज जो है वो जब सुनहरी कलर की हो जाएगी तो उसको हम प्लेट में निकाल लेंगे टिश्यू पेपर रख के, और फिर जब हमारा कोरमा रेडी हो जाएगा उसके बाद हम इसको दही में पीस लेंगे। सो व्यूअर्स, ये सुनहरी होने वाली है। अब हम इसको टिश्यू में जो है वो प्लेट पे टिश्यू रख के, और फिर हम टिश्यू पेपर ये रख लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। सो व्यूअर्स, हमने प्याज निकाल ली है। अब हम इस ऑयल में जो थोड़ा सा बचा है इसमें हम ये तेज़पात डालेंगे, लौंग और ये साबुत जो है वो लाल मिर्च डालेंगे, और ये छोटी इलायची डालेंगे, बड़ी इलायची इसमें ऐड कर लेंगे। और अब ये हम बीफ जो है वो डालेंगे। तो व्यूअर्स, इसको हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। ये देखें, तो
व्यूअर्स, अब हम इसमें कोरमा मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। सो व्यूअर्स, इसको हमें तब तक भूनना है जब तक इस ये तेल ना छोड़ दे। सो व्यूअर्स, ये भुन चुका है अच्छी तरीके से और अब हम इसमें 3 कप तकरीबन पानी ऐड करेंगे और फिर हम इसको ढक के अच्छे से पकाएंगे। अब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है, अब हम इसको ढक देंगे और अच्छे से पका लेंगे, फिर हम मिलते हैं आपको। तो हमने इसको कुकर में पकाना है तकरीबन 10 से 15 मिनट। सो व्यूअर्स, 15 मिनट हमने इसको पकाया है, 15 मिनट हमने इसको रेस्ट दिया है और अभी हमने इसको जो है वो इसका ढक्कन खोल दिया है। सो व्यूअर्स, अब ये भुनने पर आ रहा है तो अब हम इसमें ये प्याज और दही को पीस के जो मिक्सचर बना है वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसकी फ्लेम हम तेज कर देंगे। भून लेंगे इसको। और इसमें जब आप भून रहे हो तब इसमें आप चम्मच चलाते रहें ताकि दही ना फट जाए। और आपको ये अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि कैसा बना। हर एक स्टेप को अच्छे से देखिएगा और फिर इसको ट्राई करिए। तो इसमें हम थोड़ी सी अदरक डाल रहे हैं। सो व्यूअर्स, बस ये बनने वाला है और जब ये अच्छी तरह से बन जाएगा, भुन जाएगा, तो हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। सो व्यूअर्स, इसको हमने अभी ढक दिया है और तकरीबन 15 से 20 मिनट अभी और हमें रखना है, फिर हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। हल्की आंच पे रखना है। सो व्यूअर्स, ये देखिए हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर ट्राई करके बताएगा कि आपको कैसी बनी आप लोगों की ये रेसिपी। देन अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।